हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम अपने एलईडी टीवी में अपने लैपटॉप को कैसे कनेक्ट करें। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जो ऊपर दीवार में है वो मेरा 32 इंच का एलईडी टीवी है और नीचे में देखिए मेरा लैपटॉप है। इस एलईडी टीवी में मैंने अपने लैपटॉप को कनेक्ट करके रखा है। मैं अपने लैपटॉप में चाहे जो भी करूँ मेरे एलईडी टीवी में वो सारा कुछ दिखाई देगा। तो अपने एलईडी टीवी के साथ अपने लैपटॉप को कैसे कनेक्ट करते हैं, चलिए हम इसको देख लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देख लेते हैं कि अपने एलईडी टीवी के साथ अपने लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए हमें कौन से सामान की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अपने एलईडी टीवी के साथ अपने लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए हमें मात्र एक एचडीएमआई केबल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक एचडीएमआई केबल है। इसी के जरिए आप अपने एलईडी टीवी के साथ अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं और ये एचडीएमआई केबल आपको 100 से 150 रुपये में आराम से मिल जाएगा। एचडीएमआई केबल लेने से पहले आप लोगों को एक चीज का ध्यान देना है कि जब भी आप एचडीएमआई केबल लें तो आप गलती से भी मेल फीमेल एचडीएमआई केबल ना लें। दोनों तरफ केवल मेल ही है, मेल फीमेल नहीं है, इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप है और यहां देखिए मेरा 32 इंच का एलईडी टीवी है। तो इस एलईडी टीवी में आपको मैं साइड से दिखाता हूं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मेरे एलईडी टीवी में दो एचडीएमआई पोर्ट है, ये एक ऊपर में है और एक नीचे में है और ये जो बीच वाला है यूएसबी पोर्ट है। तो ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला जो दोनों एचडीएमआई पोर्ट है इसमें से किसी में हम अपने एचडीएमआई केबल के एक पिन को लगा देंगे। तो चलिए इस नीचे वाले में मैं अपने एचडीएमआई पोर्ट को लगा देता हूँ। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैं निचले वाले एचडीएमआई पोर्ट में अपने एचडीएमआई केबल के एक पिन को लगा दिया हूं। अब चलिए एचडीएमआई का दूसरा पिन जो है अपने लैपटॉप में लगा लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लैपटॉप में एक और दो यूएसबी पोर्ट है और ये तीसरा वाला है एचडीएमआई पोर्ट है। तो इस वाले पोर्ट में एचडीएमआई केबल के दूसरे पिन को मैं इसमें लगा देता हूं। अब देखिए दोस्तों ये मेरा लैपटॉप है और लैपटॉप में देखिए एचडीएमआई का दूसरा पिन इसमें मैंने लगा दिया है। तो अब चलिए हम अपने टीवी की तरफ चलते हैं। यहां देखिए टीवी में देखिए इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये देखिए हमारे टीवी का रिमोट है। इस टीवी के रिमोट में ये देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है सोर्सेस। तो इस बटन को हम एक बार प्रेस करेंगे। देखिए जैसे ही हमने सोर्सेस बटन पर क्लिक किया अभी देखिए टीवी पे सिलेक्ट है, हमें क्या करना है एचडीएमआई पे सिलेक्ट करना है इसको। तो हम क्या करेंगे एचडीएमआई पे इसको सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम एचडीएमआई 1 पे सिलेक्ट करेंगे हमारे एलईडी टीवी के साथ हमारा लैपटॉप बड़ी ही आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। हमें इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे एलईडी टीवी में जो दिखाई दे रहा है वही मेरे लैपटॉप में भी दिखाई दे रहा है। देखिए जैसे ही मेरे लैपटॉप में इमेज चेंज होगा वैसे ही मेरे देखिए एलईडी टीवी में भी इमेज चेंज हो गया। दोस्तों इसी प्रकार से आप भी बड़ी ही आसानी से अपने एलईडी टीवी के साथ अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं मात्र 100 से 150 रुपए में। आपको इसमें ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक छोटा सा घंटी आएगा उसको जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।